सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनबीटेबल राइडर ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो गाइस आज के बहुत सुबह सुबह उठ चुके हैं बिकॉज इस सावन का लास्ट सोमवार था जो मैं मंदिर नहीं जा पाया और मैं कह रहा था कि मैं महामुनि जो माज नियर बाई महामुनि यानी शिव जी का टेम्पल है नियर बाई माजभट तो वहाँ पर भी जाने का मन था तो नहीं जा पाया सावन में। बट कल आपने देखा होगा कि मेरे को TMC जाना पड़ा कुछ रीजन्स यानी ग्रैंड मदर बीमार थी इसलिए कुछ कागज़ वगैरह का डॉक्यूमेंटेशन या कुछ ब्लड वगैरह का काम था। तो गाइस राइट नाउ अभी सुबह सुबह उठ चुके नहा धो चुके घर पर पूजा खत्म तो फटाफट फटाफट निकलते हमारे मीता के यहाँ मीता का मम्मी और हम सब लोग जा रहे हैं। तो बस बने रहिए फटाफट रेडी होकर जाना लेट हो चुका है तो फटाफट निकलते हैं गाइस। तो बाकी का ब्लॉग आज कंटिन्यू कीजिएगा और आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मेरी तरफ से और सच सच नमन है उन वीरों को जो हमारे भारत माता के लिए अपनी जान कुर्बान और देश के लिए अपनी जान कुर्बान किया है। तो उनके लिए मेरे दिल से जय हिंद भारत माता की जय वंदे मातरम। तो गाइस फटाफट चलते हैं और अगर चैनल पर नहीं तो जाके सब्सक्राइब कीजिएगा इंस्टा पे फॉलो नहीं करते जाके फॉलो कीजिए। बहुत लोग ब्लॉग देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ भाई को थोड़ा बहुत मोटिव मिलेगा। तो भाई फटाफट फटाफट चलते हैं गाइस फटाफट कुछ वेट कर रहे हैं लेट्स सी चलते हैं। Soulmate is ready. तो आंटी लोग ई रिक्शा पे हैं और हम दोनों बाइक पे हैं गाइस। पीछे जो ब्रिज देख रहे हैं गाइस ये पीछे का ब्रिज धनसरी ब्रिज है जो रिसेंटली काम खत्म करके ओपन हो चुका है। आपने इससे मेरे पहले वाले ब्लॉग को भी देखे होंगे कि ये ब्रिज जो है नया बना है बट और सब बहुत खूबसूरत नज़र आया। बट यहाँ आप रुक के फोटो वोटो मत खिंचाइएगा बिकॉज दिस इज हाईवे तो इस बात का खास ध्यान रखें और हम भी रख रहे हैं इसलिए मेरे पकड़ने के बाद सिर्फ वीडियो वीडियो चलते रख दिया है। क्यों बने रही हो जनहित में जान। तो धनसरी घाट पहुँचने वाले हैं गाइस। एक चीज बहुत अच्छा लगा देखिए हर घर तिरंगा। दिस इज आवर इंडियन फ्लैग दिस इज आवर इंडियन देख सकते हैं हम लोग भारतीय में हर घर तिरंगा गाइस। आपको दोनों तरफ जितने भी हैं दोनों तरफ आपको हर किसी के घर के पास तिरंगा देखने को मिलेगा। तो हर घर तिरंगा जो हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि तो इधर नहीं है तो अंदर अंदर लगा होगा गाइस। तो इस भाई को देखिए भारत माता की भाई भाई ने बोला ही नहीं सुना नहीं होगा कोई बात नहीं। तो दिल से सुन धन्यवाद आप सभी को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को आप लोगों ने रखा उनकी बात को रखा ही नहीं क्योंकि सब देश से सब लोग प्यार करते हैं इसलिए हर किसी ने हर घर तिरंगा को ले रहा है और हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि हम हमारे देश के तिरंगा हर घर पे देखने को मिल रहा है। तो आंटी लोग आ गए होंगे और लोग पीछे पीछे तो बस हम लोग जा रहे हैं एक शॉर्टकट रास्ता पता नहीं कौन सा शॉर्टकट है बट लग रहा है यही लॉन्ग कट ना बन जाए बस लेट्स सी बने रहिए। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और हाथ पैर धो लेते हैं फिर उसके बाद मंदिर दर्शन करते हैं और कुछ कुछ सामान भी लेना है यहाँ पे। तो मीता जी आगे आगे हम पीछे पीछे तो सबसे पहले हाथ पैर धो लेते हैं उसके बाद बढ़ते हैं मंदिर की ओर।
तो यहाँ पे हाथ पैर धोने का इंतजाम. लुक इट, मीता इज द वेरी बिगेस्ट स्माइल फॉर टुडे. आई डोंट नो व्हाट, बिकॉज़ उनको मंडे टाइम या पानी कुआं से तो पानी आएगा मीता, और क्या आएगा. सो फाइनली वाटर इज हियर एंड पांव धोएंगे. या तो मैं भी धो लेता हूँ फटाफट. और यहाँ पे मम्मी लोग भी आ रहे हैं और आंटी लोग भी. तो मीता इसको पकड़ी, आपको थोड़ा दर्शन कराइए. करो जल्दी करो. पुश करके रख सकता है ना. तुम्हारे भी सुबह नहीं देखो. महीना पड़ी जा बादे पड़ी जा बाद क्या बात. कोबानी की तुम्हें कोई दिया को. हाँ कोई दिया को. लास्ट कोई शायद नहीं होने नसीब था. तो अभी हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए यहाँ पे. जो पंडित जी वगैरह होते हैं, मंदिर की साफ सफाई चल रहा है, तो जो तब तक साफ सफाई करेंगे आप. इस तालाब का नज़ारा देखिए, यहाँ पे मछली वगैरह है और काफ़ी खूबसूरत देख सकते हैं. तो यहाँ पे पहले पूजा करेंगे, फिर उसके बाद उस वाले मंदिर पे जाएंगे. तो अभी साफ सफाई का काम चल रहा है, जैसे कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग पूजा करेंगे और आपको दिखाएंगे. तब तक ले बने रहिए. तो नज़ारा देखते हुए बैठे हुए हैं. लगता है बहुत ज़्यादा लेट होगा. और वेदर भी देखिए गाइस, सुबह क्या वेदर था. अभी तो वेदर बारिश के जैसा लग रहा है कि नहीं, क्या बोलेंगे आप. अच्छा ही लगा, ऐसा होना चाहिए वेदर, ऐसा होना चाहिए. बट हमारे पुजारी जी पीछे हैं, बट हम लोग वेट कर रहे हैं कब तक मंदिर साफ हो जाए और हम लोग भगवान जी के दर्शन करके पूजा करके हम लोग यहाँ से निकल जाए. बिकॉज वेदर इज नॉट, वेदर अच्छा है बट बारिश ना गिरे तो वेदर इज गुड. बारिश गिर गया फिर सब चौपट. क्या होता है देखते हैं. आपने देखा क्या, क्योंकि कौन 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 यहाँ पे आ चुका है जरूर कम लेके बताएं. मंदिर पे कौन कौन आ चुके हैं जरूर बताएं. और फटाफट से अभी वेट करते हैं, जैसे ही ख़त्म होता है फिर हम लोग जाकर पूजा करते हैं. तो बाकी आप बने रहिए. दिस इज चुके हैं, फिर इस तरफ आए. यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं पूजा. क्या बोलते हैं, हर हर महादेव, जय श्री राम. हाँ देख देखे
टाइट आई जाओ साला मसला लगे ना गट्टे को जमा के दे दे ले 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 अरे ले जा बाबू ले ला खा जा मंदिर से आ गए थे, भूख लग रहा था सबको, तो सब लोगों ने अभी हम लोग हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, रोटी सब्जी दाल ये ले रहे, फिर आते हैं यहाँ से और निकलते हैं गाइस। आगे का प्लानिंग आपको आगे पता चलेगा। भूख लग रहा है ना? कितना भूख लग रहा है? कितना भूख लग रहा है? बहुत ज़्यादा। कैसे बोलेगा? तो उधर आंटी लोग फोटो दिखा रहे हैं हमारे सर, इधर हमारे चाचा जी। ओके तो फटाफट खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से, खाने का वीडियो नहीं दिखाएंगे बस। ओके फाइनली हम लोग ना भैरवकुंडा पहुंचे थे, तो नजारा आप देख सकते हैं जैसे 31 जनवरी पे नहीं होता। अमिता कैसा लग रहा है? क्राउड बोलो आप, क्राउड कैसा है? बढ़िया है। बढ़िया मतलब पिकनिक की तरह नहीं है? बहुत, उससे भी ज्यादा है यार। हाँ बाप रे बाप रे, भीड़ ऐसा लग रहा है कि हम लोग पिकनिक मनाने आए गाइस। कहाँ चारों तरफ। फिर हम लोग मंदिर गए थे, मंदिर से फिर सोचा क्यों ना चले, फिर हम लोग भी चले जाएंगे बिकॉज इतना ज्यादा लोग है, आप दूर दूर तक देख सकते हैं। बाप रे, हर जगह आदमी। तो बस थोड़ा बहुत घूमते हैं मैं और मिता, फिर यहाँ से निकलते हैं। गाइस भीड़ मतलब मिता क्या कहना चाहोगे बोलो, इतना भीड़ आपने कब देखा था लास्ट टाइम? मेरा तो बोल ही बंद हो गया है। नहीं कब देखा था? इतना जनवरी में देखा था बस, आज दिसंबर में देखा था। और आज इतना ज्यादा भीड़ है, बाप रे बाप रे। यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग किया गया है, काफी खूबसूरत लग रहा है बढ़िया से। तो बहुत ज्यादा बाइकर्स जैसे देखते हैं ना रेली वैसा आज ऐसा, देखिए दूर दूर तक देखिए आप कितने सारे बाइक हैं, मतलब बहुत ज्यादा लोग हैं। देखिए इधर कितने लोग हैं, आगे भी देखो पीछे भी देखो यार। तो आप देखिए इधर सब तरफ मतलब बहुत ज्यादा। ये हमारे भाई भी आए हुए हैं। भाई कहाँ जा रहे हो? राम राम। मतलब भीड़ आप देख सकते हैं, लाइन अप जैसे लाइन अप देखिए कितना बड़ा रहा, कितना मतलब इतने बाइकर्स हैं, मतलब यहाँ तो इतना ही बस, अंदर तो हम जाएंगे नहीं बिकॉज इतना भीड़ है कि हम लोग इस भीड़ में रह नहीं पाएंगे। बस थोड़ा बहुत हमें और नीता घूमते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। क्यों नीता, क्या कहते हैं आप? हाँ। है ना? हाँ। वैसे ही करेंगे। तो चलिए थोड़ा नदी की तरफ चलते हैं कि नहीं? बस चलो यार। तो गाइस मैंने आज ही वायरल हो आ रही बुझा ना गुटे की टाज दिल लो है बोले समझ रहे हो ओए किन को लाग से क्वेश्चन तो भैरवकुंडा आई ओए भैरवकुंडा आई कैसा लग रहा है आज, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे अभी तक नहीं देखा। हाँ अभी प्रथम देखा इसे। प्रथम देखा है, समझ जाओ। तो कैमरामैन फोकस करो पे लगा हुआ है ये सब कुछ बात। तो गाइस भीड़ यहाँ देखिए जैसे पिकनिक लग रहा हो, चारों तरफ कितना भीड़, बाप रे। पीछे भी देख लो लग जाएगा कहीं, धूप भी है और हाँ बट्टे गई लड़की है। ध्यान से गिर मत जाना। दिख रहा है नज़ारा, देख रहा है कैसा आज फील कैसा हो रहा है बोलो? ऐसा नहीं लग रहा है कि पिकनिक पे है आज? हाँ, है ना? जनवरी। यस तो गाइस देख सकते हैं इतने भीड़। तो हम लोग भी निकलने वाले, कुछ बोलेगा? नहीं ये कुछ नहीं बोलेगा, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। ओके।
तो गाइस भैरवकुंडा का नज़ारा इस तरह लुक लाइक पिकनिक स्पॉट ही है, बट आज ऐसा 15 अगस्त भी ऐसा लग रहा है कि पूरा चारों तरफ पिकनिक ही पिकनिक मनाया, बट चारों तरफ लोग ही लोग। तो गाइस राइट नाउ मूविंग हियर, तो ये इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बुरा लगे तो डिसलाइक कीजिए, अगर चैनल पर नहीं तो जाके फॉलो कीजिए, और इंस्टा पे फॉलो नहीं चैनल पर नहीं है तो जाके सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कीजिए, और हमारे सर का भी है, इनको भी थोड़ा फॉलो कर दीजिए, इनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग्स पे। बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, भारत माता की जय।